नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS News। उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार में खो नहर के जीर्णोद्धार हेतु होने वाले कार्यों का किया भूमि पूजन। कोटद्वार में आज विधानसभा अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने विकास खंड दुगड्डा के कोटद्वार क्षेत्र के ग्रांस्टनगंज में 490.77 लाख की लागत से बाई खो नदी के पुनरोद्धार के कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर क्षेत्रवासियों ने विधानसभा अध्यक्ष का फूल मालाओं से भव्य स्वागत सम्मान कर उनका आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया। खो नहर काफी वर्षों से क्षतिग्रस्त और जीर्ण शीर्ण स्थिति में थी और इस बरसात में नहर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके चलते क्षेत्रवासियों को सिंचाई में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर नहर का प्रस्ताव बनाने और शासन को भेजने के निर्देश दिए थे। शासन द्वारा नहर के जीर्णोद्धार हेतु 490.77 लाख की लागत स्वीकृत की गई तथा कोटद्वार में सिंचाई नहरों की स्थिति काफी जीर्ण शीर्ण और इनके जीर्णोद्धार करने का जिम्मा हमने उठाया है। इस नहर के जीर्णोद्धार से कोटद्वार के किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि नहर के जीर्णोद्धार से हमारे कृषि क्षेत्रों को नया जीवन मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने विकास के लिए समर्थन देने का संकल्प लिया है और यह नहर हमारे कृषि क्षेत्रों को मजबूती से जोड़कर उन्हें सुरक्षित करने का एक कदम है। इस दौरान अधिशासी अभियंता सिंचाई अजय जॉन, मंडी समिति अध्यक्ष सुमन कोटनाला, मंडल अध्यक्ष पंकज भाटिया, सुनीता कोटनाला, मानेश्वरी बिष्ट, नीना बेंजवाल, नीरज चमोली, दीपक पांडेय, संजय रावत आदि मौजूद रहे। कर सकते हैं ईई के साथ साथ हमें भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि काम आपको सही नहीं लग रहा है। साथ ही साथ अगर आई डोंट नो कौन इस कॉन्ट्रैक्ट को कर रहा है, जो भी कर रहा है, और अगर वो यहाँ कहीं है, उनसे भी कहना चाहूँगी कि काम अच्छा करिए। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो रहेंगे कोटद्वार में, नहीं करेंगे तो उत्तराखंड में भी नहीं रहेंगे, ये भी मैं आपको बोल रही हूँ। तो इस और इस कार्यक्रम के भूमि पूजन में यहाँ पहुँचे हैं और यही प्रयास है कि जिस तरह की कठिनाइयाँ कोटद्वार में लोगों को कठिनाइयों को समस्याओं को दूर करें और धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो लोगों के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन पर हम कार्य करें और उसी की कड़ी में ये एक कार्य है जहाँ हम खो नदी की जो बाई नहर है उसमें उसका जीर्णोद्धार करें।